प्रदेश में शिक्षक क्षेत्र में अग्रणी जिला हमीरपुर में एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की जमा दो की परीक्षा में अपना दमखम दिखाया। वहीं गर्ल्स स्कूल हमीरपुर की छात्राओं ने भी परीक्षा परिणाम में अच्छा प्रदर्शन किया। गर्ल्स स्कूल का परीक्षा परिणाम 99% रहा। इस अवसर पर गर्ल्स स्कूल के प्रधानाचार्य नीना ठाकुर ने सभी बच्चों को बधाई दी। स्कूल के प्रधानाचार्य नीना ठाकुर ने बताया कि जमा दो की परीक्षा परिणाम में बच्चियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कोमल ने 467 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, द्वितीय वैष्णवी और तृतीय स्थान पर शिवानी रही। उन्होंने सभी बच्चों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जो रिजल्ट है गर्ल्स स्कूल का वो काफी अच्छा है। टोटल हमारे तीनों ही संकाय में 121 बच्चों ने एग्जामिनेशन जो था वो दिया था, तो उसमें से 99 जो है वो पास है। इस तरह से 82% रिजल्ट जो है वो बैठा है। इसके अलावा भी बेटियों ने हमारे काफी अच्छा परफॉर्म किया है। इन्होंने जो साइंस की हमारी एक बेटी है कोमल, उसने 467 आउट ऑफ 500 स्कोर किया है। तो इस तरह से उनका इसका जो परसेंटेज है वो 93.4% स्कोर किया है। और सेकेंड पोजीशन है उन्होंने 89.3% लिया है। 446 आउट ऑफ 500 इन्होंने लिए हैं। वैष्णवी ये बेटी है। थर्ड जो है शिवानी है, उन्होंने 445 आउट ऑफ 500 लिया है, 89% लिया है। और बहुत खुशी है ये बोलते हुए कि जो बच्चियां हैं 80% से ऊपर वो हमारी 10 बच्चियां हैं जो कि जिनका 80% से ऊपर स्कोर है। तो इस तरह से रिजल्ट जो है वो बेटियों ने काफ़ी अच्छा हमें दिया है। और इस सब के लिए मैं इन बच्चियों को और अपने सारे ही अध्यापक साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और वो बधाई के पात्र हैं इसके लिए। और इनके जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। आप कह सकते हैं कि पूरे मन से काम बच्चों के भले में कर रहे हैं, और सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं, वो बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट में भी हमेशा ही बच्चों के लिए वो तत्पर रहते हैं और पूरे मन से वो हर कोई भी जो काम बच्चों के भले में होता है उसको करने के लिए उत्सुक हो रहते हैं। थोड़ा इन बच्चों को हमने कहा है कि स्पोकन लैंग्वेज पे थोड़ा ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग में थोड़ी दिक्कत आती है, तो उसको लेके भी हम थोड़ा बच्चों को प्लान किया हुआ है। हर क्लास की जो छठी से लेके टेंथ तक फिलहाल एक एक पीरियड उसके लिए हमने रखा हुआ है, और बच्चों को स्पोकन लैंग्वेज पे ज़्यादा जोर जो है स्ट्रेस डाल रहे हैं ताकि वो हेजिटेंट ना फील करें जब वो प्लस टू करके निकले, तो एटलीस्ट वो अपने आप को कम्युनिकेट कर पाए इंग्लिश लैंग्वेज में भी। वो एक फोकस हमने बनाया हुआ है बच्चों को।